सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम मिरर और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम मिरर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, तो चलिए आज हम टॉप 25 MCQ देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि यह सेशन बहुत ही जानदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इन ए सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू, अर्थात किसी अर्धचालक में करंट का कंडक्शन किसके कारण होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है होल्स, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, एन टाइप में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, और इन्हीं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट का कंडक्शन होता है। तो आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ये सही होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिपेंड अपॉन, अर्थात जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या होती है वह किस पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन डोपिंग, ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी नंबर ऑफ डोनर इम्प्योरिटी। तो जो आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या होती है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे हमारा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो बढ़ेगा, और जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या घटेगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एज, अर्थात परम शून्य ताप पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कंडक्टर, बी इंसुलेटर, सी सेमीकंडक्टर, डी नन। तो आपका परम शून्य ताप पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर व्यवहार करता है, अर्थात उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य हो जाती है। आपका चौथा क्वेश्चन है, प्योर सेमीकंडक्टर इज कार्ड, अर्थात शुद्ध अर्धचालक क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है एन टाइप, बी पी टाइप, सी इंट्रिंसिक, डी एक्सट्रिंसिक। तो आपका ऑप्शन होगा इंट्रिंसिक, अर्थात शुद्ध अर्धचालक को हम लोग इंट्रिंसिक कहते हैं, अर्थात इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज या डोपिंग नहीं की जाती है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डोनर इम्प्योरिटी, ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी एंटीमनी, ऑप्शन डी इंडियम। तो आपको पता होगा जो आपके ट्राईवेलेंट एटम्स हैं, जैसे हो गया बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, और आपके जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट हो गए हैं, जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो फिफ्थ ग्रुप के इम्प्योरिटीज़ मिलाने पर वो क्रिस्टल को एक एटम डोनेट कर देता है, जिसके कारण वो क्या कहलाता है, डोनर इम्प्योरिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, एंटीमनी। आपका छठा क्वेश्चन है, ए सेमीकंडक्टर हैज टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, अर्थात एक अर्धचालक का टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वह अर्धचालक जिसका टेम्परेचर बनाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी घटती है, उन्हें हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट मटेरियल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नेगेटिव। का सातवां क्वेश्चन है, फास्फोरस एटम बिलोंग्स टू विच ग्रुप इन ए पीरियडिक टेबल, अर्थात फास्फोरस एटम पीरियडिक टेबल में किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आपका फास्फोरस एटम पीरियडिक टेबल में फिफ्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं ये एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के रूप में मिलाया जाता है। आठवां क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़, अर्थात एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ का उदाहरण क्या है। तो ऑप्शन ए देखेंगे बोरोन एंड एल्युमिनियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक एंड एल्युमिनियम, ऑप्शन सी इंडियम एंड एंटीमनी,
ऑप्शन डी फास्फोरस एंड गैलियम। तो आपके जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हो गया बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम, इंडियम, ये सब क्या होते हैं आपके एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए, इसमें आपका बोरोन और एल्युमिनियम, ये क्या कहलाते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो आपका आंसर होगा ए नंबर। नाइन्थ क्वेश्चन, फॉरबिडन एनर्जी गैप इन ए इंसुलेटर, अर्थ कुछ चालक में जो एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है। तो ऑप्शन एक है आपका लेस देन 5 वोल्ट, ऑप्शन बी एबव देन 5 वोल्ट, ऑप्शन सी अबाउट 2 वोल्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एबव देन 5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, डोनर्स आयंस पे कैसा चार्ज होता है। तो जो डोनेट करता है उस पर कैसा चार्ज होता है, उस पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है जो क्रिस्टल को एटम डोनेट कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। इसी प्रकार एक्सेप्टर आयंस क्या होंगे, जो एक्सेप्ट करेंगे आयंस को वो क्या कहलाते हैं निगेटिवली चार्ज्ड। अगला क्वेश्चन, ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज कार्ड, जो आपकी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या कहलाती है, डोनर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। जो आपकी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है वो क्या कहलाती है, डोनर इम्प्योरिटी, अर्थात वो क्रिस्टल को एक आइटम डोनेट कर देता है। ए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इज कार्ड, तो जो आपकी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है वह क्या कहलाती है, अभी मैंने बताया था वो क्या कहलाता है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, जैसे आपका बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन, ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाई, किसी भी अर्धचालक में कौन सा बंध पाया जाता है। तो आपके जो अर्धचालक होते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच लॉ इज यूज टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा लॉ प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है आपका न्यूटन्स लॉ, कूलम्स लॉ, मास एक्शन लॉ, और अगला ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका जो मास एक्शन लॉ है उसी की सहायता से हम लोग माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ज्ञात करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द मास एक्शन लॉ, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एट इक्विलिब्रियम इज, अर्थात मास एक्शन लॉ के अनुसार कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स का गुणनफल क्या होता है। तो आपने पढ़ा था कि एन पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, तो ये क्या होता है, इसका ऑप्शन होगा बी कांस्टेंट होता है। डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस आर, जो डोनर और एक्सेप्टर आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल आयंस होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं, बोथ, नन ऑफ द एबव। तो ये आपको मैंने बताया था कि जो डोनर और एक्सेप्टर आयंस होते हैं ये क्या होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं, और इनके कारण कोई करंट का कंडक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फॉरबिडन एनर्जी गैप इन गैलियम आर्सेनाइड इज, पहला ऑप्शन है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 1.141 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है,
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है आपका होल्स होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, वो होते हैं आपके होल्स होते हैं। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका डोपिंग, जिसको हमने वीडियो में अच्छे से पढ़ा भी था। वैलेंसी ऑफ जर्मेनियम इज, जर्मेनियम की संयोजकता क्या होती है, तो इसकी संयोजकता क्या होती है, फोर। आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, इन सब का वैलेंसी फोर होता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल इज नियर टू, तो ऑप्शन नंबर ए वैलेंस बैंड, बी कंडक्शन बैंड, सी इन बिटवीन ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नियर टू कंडक्शन बैंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव, इसमें से कौन सा मूव नहीं कर सकता है। तो आपको अभी ऊपर मैंने बताया था जो आपके डोनर और एक्सेप्टर आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर होते हैं वो किसके कारण प्रोड्यूस्ड होते हैं। ऑप्शन ए रिकम्बिनेशन, बी थर्मल एनर्जी, सी आयनाइजेशन, डी डोपिंग। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है वो थर्मल एनर्जी के कारण जनरेट होता है, अर्थात जब हम उसमें ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके।